हेलो भाई एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आपके लिए स्टैंडर्ड सेवन का एक चैप्टर है, दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें हमने देखा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स कैसे खाना खाता है। और आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल्स कैसे खाते हैं। ठीक है, एनिमल्स कैसे खाते हैं। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है द मोड ऑफ टेकिंग फूड। आप कौन सा खाना लेते हो और वो कैसे हजम होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। हम उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स, अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड इज नोन एज न्यूट्रिएंट्स। फूड का जो भी कंपोनेंट होता है, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है और मिनरल्स। दीज आर न्यूट्रिएंट्स, ये सब होते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो ये चैप्टर में हम देखेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं ये कैसे डाइजेस्ट करते हैं अपना खाना, कैसे डाइजेशन होता है। तो इससे पहले इससे जुड़ी हुई कुछ बातों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले हम उन्हीं बातों को समझेंगे, उसके बाद चैप्टर में जो कुछ होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले टीथ के बारे में जानेंगे, ये टीथ क्या होता है। हमारे मुंह में जिसको हम कहते हैं बकल कैविटी, जिसको हम कहते हैं ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी, इसके अंदर व्हाइट कलर के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं टूथ। और इसका काम है टू ग्राइंड द फूड। जो फूड है हमारा उसको एकदम अच्छी तरह से ग्राइंड करना, इसको काटना, इसको च्यूइंग करना, मास्टिकेट करना,
ये है इसका काम। और ये जो टीथ होता है ये दो तरह के होते हैं, टेम्पोररी टीथ और परमानेंट टीथ। और ये जो टेम्पोररी टीथ होते हैं ये होते हैं 20 और जो परमानेंट टीथ होते हैं ये होते हैं 32। एक से 8 साल तक ये टेम्पररी टूथ रहता है और जो परमानेंट टीथ होता है आफ्टर 8 इयर्स, 8 साल के बाद ये धीरे धीरे करके ग्रो करता है और ये नंबर 32 तक जाता है, ठीक है। और जो परमानेंट टीथ है और जो परमानेंट टीथ होता है ये 4 टाइप्स का है, इंसीजर, कानाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो इंसिजर टीथ होता है इसको हम कहते हैं बाइटिंग टीथ, सामने वाला है से सामने वाला जो टीथ होता है इसे हम कहते हैं बाइटिंग टीथ, छोटे छोटे चीजें से बाइट करते हैं। और ये प्रेजेंट होता है 8 नंबर टोटल हमारे मुंह में, अपर जॉ या फिर लोअर जॉ, अपर जॉ और लोअर जॉ 8 प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है कानाइन टीथ, ये 4 प्रेजेंट होता है, प्रीमोलर जो अंदर प्रेजेंट होता है जो एकदम ग्राइंड करता है, प्रीमोलर और मोलर इन दोनों को बोलते हैं ग्राइंडिंग टीथ, इसे कहते हैं ग्राइंडिंग टीथ। और कानाइन को कहते हैं टियरिंग टीथ, एकदम फाड़ देता है, एकदम चीर फाड़, चिकन मटन हम कानाइन टीथ से ही खाते हैं। तो मोलर प्रेजेंट है 8 नंबर का, सॉरी मोलर प्रेजेंट है 12 और प्री मोलर प्रेजेंट है 18 नंबर, टोटल काउंट करोगे तो 32 हो जाएगा, दिस इज आवर टीथ। और जो टीथ हमारा जो बना होता है जिस कंपाउंड से, उस कंपाउंड का नाम है कैल्शियम फॉस्फेट। हमारा टीथ जो बना है जिस कंपाउंड से उसका नाम है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे एंजाइम, अब ये एंजाइम क्या है देखो, इट इज द केमिकल सब्सटेंस दैट डाइजेस्ट फूड। एंजाइम एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी बहुत मदद करता है, ठीक है। अब एंजाइम के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखो, ग्लैंड, अब ये ग्लैंड क्या है,
ग्लैंड हमारी बॉडी का बॉडी के अंदर छोटे छोटे मस्कुलर पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर छोटे छोटे मस्कुलर पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम कहते हैं ग्लैंड। बॉडी के अंदर बहुत छोटे छोटे मस्कुलर पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम कहते हैं ग्लैंड। जैसे कि मामरी ग्लैंड, टेस्टिस ग्लैंड, लिवर ग्लैंड, पानक्रियाज ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ओवरी ग्लैंड, सो दैट इज ग्लैंड। और ये जो ग्लैंड होता है इसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, देखो द ग्लैंड विथ ट्यूब्स। मान लो ये एक मस्कुलर पार्ट है हमारी बॉडी का, दिस इज कॉल्ड ग्लैंड। अगर इससे कोई ट्यूब निकला हुआ है तो इसे हम कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन द ग्लैंड विथ नो ट्यूब्स, मतलब यहां पर कोई ग्लैंड है मगर इससे कोई ट्यूब नहीं निकला है, उसे हम कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल क्या होगा, लिवर, पैनक्रियास। और एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल होगा एड्रेनल। ये जो ग्लैंड है ये किडनी के ऊपर पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड एड्रेनल। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है ये एक केमिकल सब्सटेंस सेक्रेट करता है जिसको हम कहते हैं एंजाइम। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ये भी एक केमिकल सब्सटेंस सेक्रेट करता है जिसको हम कहते हैं हार्मोन। और ये जो एंजाइम है ये फूड डाइजेस्ट करता है, लेकिन जो हार्मोन होता है ये हमारे बॉडी के पार्ट्स ग्रो करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। सो एक बार उसे ध्यान से थोड़ा देख लो। सो अभी जैसे हम यहां पर देखेंगे डाइजेशन ऑफ अ फूड के बारे में, तो यहां पर हम सिर्फ डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो इसीलिए यहां पर सिर्फ एक्सोक्राइन ग्लैंड का ही नाम लिया जाएगा। तो मैं यहां पर कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम लिख देता हूं, एक्सोक्राइन ग्लैंड
और जो एंजाइम इनसे सेक्रेट होगा, एंजाइम का नाम और एंजाइम का फंक्शन, वो एंजाइम क्या करेगा, ये टेबल एक बना देता हूं तो आपको थोड़ी सी आसानी होगी पढ़ने में। तो सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड, ये प्रेजेंट होता है हमारे माउथ में, और ये जो एंजाइम सिक्रेट करता है उसका नाम है टायलिन, और इसका काम डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं ये उसको ही डाइजेस्ट करेगा। तो उसके बाद आता है स्टोमक, स्टोमक सेक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का मतलब इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, म्यूकोस होता है और एक एंजाइम भी रहता है जिसका नाम है पेप्सिन। ये तीनों को कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। और ये जो पेप्सिन है, ये जो पेप्सिन है और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करेंगे। उसके बाद लीवर, लीवर सेक्रेट करता है एक एंजाइम जिसका नाम है बाइल, और ये बाइल डाइजेस्ट फैट को डाइजेस्ट करता है। पैनक्रियाज, ये सेक्रेट करता है, ये तीन एंजाइम सेक्रेट करता है, एक है ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। ट्रिप्सिन का काम है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करेगा, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, और लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सेक्रेट करेगा इंटेस्टिनल जूस, और ये एकदम डाइजेस्ट ऑल, जितने भी सारे फूड कंपोनेंट्स होंगे ये सब को डाइजेस्ट करके डाइजेशन प्रोसेस को खत्म करेगा। अभी तक तो हमने बहुत बार डाइजेशन 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 के बारे में रटा, मगर डाइजेशन है क्या अभी तक हमने नहीं समझा। चलिए समझते हैं क्या है डाइजेशन। डाइजेशन breaking down of complex food into simpler form,
ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। आप जो खाना खा रहे हो, आप जो खाना खा रहे हो दैट इज कॉम्प्लेक्स। जैसे कि आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, ये कॉम्प्लेक्स फूड है, ये डाइजेशन होने के बाद ग्लूकोज में बदलता है। दिस इज सिंपल फॉर्म। आपने प्रोटीन खाया, दिस इज कॉम्प्लेक्स फूड, डाइजेशन होने के बाद ये अमीनो एसिड में बदलता है। दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म। आपने फैट खाया और ये जब डाइजेस्ट होता है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है ये ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। दिस इज नोन एज डाइजेशन। इसे भी हम कहते हैं डाइजेशन। तो पार्ट हम देखेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन। डाइजेशन इन ह्यूमन, ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है, तो ये तो कोई छोटा प्रोसेस नहीं है कि आपको एक लाइन में समझा दिया जाए। ये एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है। इसको आराम से और प्यार से अगर समझा जाए तो बहुत ही इजी रहेगा। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर डाइवर्शन हो गया माइंड तो ये आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा प्यार से और ध्यान से एकदम इसे समझिएगा। बायोलॉजी और लाइफ साइंस इज जस्ट लाइक ए स्टोरी। जैसे आप कहानी को सुनते हो तो बायोलॉजी को भी आप उसी तरह कहानी की तरह सुनने की कोशिश कीजिए, तभी जाके ये दिमाग में बैठेगा। कहानी हम सिर्फ एक बार सुनते हैं और ये दिमाग में बैठ जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट एक चीज है जो हम वहां पर लगाते हैं। अगर आप पहले इंटरेस्ट डालिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए अपने आप, एक बार, दस बार, सौ बार ट्राई कीजिए। अगर आपसे ना हो पाए तो अपने टीचर्स और अपने बड़ों का एडवाइस लीजिए, सजेशन लीजिए कैसे होगा, तब देखिएगा हो जाएगा। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हो नहीं सकती, ठीक है। सो पहले हम यहां पर डायग्राम कर देंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसके बाद उसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है।
सो फर्स्ट पार्ट दिस इज माउथ, दिस इज फूड पाइप, दिस इज स्टोमक, दिस इज लिवर, दिस इज गॉल ब्लैडर, दिस इज पैनक्रियास, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, दिस इज एनस। सारे पार्ट्स को एकदम ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या होता है, जो फूड है वो हमारे माउथ में एंटर करेगा। माउथ में एंटर करने के बाद हमारा जो टॉन्ग है ये क्या करेगा, माउथ से, माउथ के अंदर सलाइवा ग्लैंड है और उससे सलाइवा एक एंजाइम सेक्रेट होता है। तो हमारा टॉन्ग क्या करेगा, सलाइवा को बहुत ही अच्छी तरह से वो फूड में मिक्स कर देगा और जो टीथ है वो फूड को बहुत ही अच्छी तरह से ग्राइंड करेगा। अब आपका फूड ग्राइंडिंग हो गया, उसके बाद अब ये फूड माउथ से होते हुए आके इधर फूड पाइप को पहुंचेगा। जब वो फूड फूड पाइप में पहुंचेगा तो अभी जो फूड पाइप क्या होगा, वो ऐसे रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, वो ऐसे करेगा। ऐसे करते हुए ये जो फूड पार्टिकल है ये धीरे धीरे करके स्टमक के अंदर आ जाएगा और यहां पे ये जो फूड पाइप कॉन्ट्रैक्शन किया, रिलैक्सेशन किया, इसी को हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं क्या, पेरिस्टाल्सिस। इसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस, इसे ही पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है। अब ये फूड आपके स्टोमक में आएगा। स्टोमक में क्या क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकोस और पेप्सिन, ये तीन होते हैं स्टोमक में। अगर आपके फूड में कोई बैक्टीरिया वायरस होगा तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे मारने में मदद करेगा और जो पेप्सिन है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प करेगा और जो म्यूकोस होता है ये स्टोमक के अंदर वाली वाल में पाया जाता है। म्यूकोस जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाएगा स्टोमक को। उसके बाद आपका फूड जो है वो धीरे धीरे करके स्मॉल इंटेस्टाइन को आएगा, ठीक है। अब आपका लिवर सेक्रेट करता है बाइल, ये जो बाइल सेक्रेट करता है ये बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर होके रहता है और उसके बाद ये इस पाइप के जरिए जाता है, इसे बोलते हैं लिवर डक्ट। ये इस पाइप के जरिए जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन और वहां पर फैट को डाइजेस्ट करता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इमोल्सिफिकेशन, इमोल्सिफिकेशन कहा जाता है।
अब पानक्रियाज, पानक्रियाज सेक्रेट करेगा ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज, ये तीन। जो ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करेगा, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। अभी लिवर का काम और पानक्रियास का काम, दोनों का काम खत्म हो गया, और एंड में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इससे इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से डाइजेस्ट करके ग्लूकोज में बदलता है, प्रोटीन को पूरी तरह से डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड में बदलता है, और फैट को पूरी तरह से डाइजेस्ट करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। अभी आपका डाइजेशन खत्म हो गया। यहां पर ये जो न्यूट्रिएंट्स अभी निकले, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये जो न्यूट्रिएंट्स निकले, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे छोटे छोटे फिंगर जैसे पार्ट होते हैं जिनको हम कहते हैं विलाई। ये विलाई क्या करते हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके, सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ये ब्लड में मिक्स कर देते हैं, बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड रहा वो इधर आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन को आएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलाई होता है और वो सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, कौन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलाई होता है मगर वो सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अभी जितना सारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रहेगा वैसे लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए यहां पर दिस पार्ट इज नोन एज रेक्टम, यहां पर जमा होगा और वो अनस से होते हुए हमारे बॉडी से निकल जाएगा। और यहां पर ये जो फूड मटेरियल जो अनस से होते हुए बाहर निकल गया, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन, इजेशन कहते हैं इसे हम, इजेशन, ठीक है। सो ये रहा पूरा एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, थोड़ा ध्यान से देख लो, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का पार्ट चर्चा करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय।